मैं बुलाने जा रहा हूं अपने गुरु भाई सिक्स फीट डॉक्टर गगनदीप सिंह, आपकी जोरदार तालियों के बीच। हाँ जी, सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं एक आम जहा डॉक्टर ना डॉक्टर गगनदीप सिंह, एक किसान जे परिवार तो बिल्कुल सिंपल जहा किसान साधारण परिवार। इदां दा सपना मैं और मेरे गुरु ने अज तो 2 साल पहले संजोया सी और अज आपां उहनूं पूरा कीता है। थैंक यू। संजीव गल्डियाल जी ने स्टेज तो कहा कि एक मेंटर चाहिए, गुरु चाहिए। एक इहो जिहा इंसान मेरी जिंदगी च आया जिंदियां यादा मेरा परछावां बन गया और मैं उन्हां दा बन गया। एक इहो जिहा इंसान जिन्हें पूरे हिंदुस्तान नूं एजुकेशन दित्ती, एक इहो जिहा इंसान, एक इहो जिही आत्मा, एक इहो जिहा महागुरु जिन्हें हिंदुस्तान च नवीं एजुकेशन दे पूरने पाए, एक इहो जिहा इंसान जिहदे जाण तों बाद भी कोई इहो जिहा दिन नहीं कि हिंदुस्तान च 1 लाख वार उहदा नां ना लिया जाए, जो इस टाइम दुनिया च मौजूद नहीं, पर एक इहो जिहा इंसान जिस चीज़ नूं उहने हथ लाया उहनूं सोने दा बनाता, जिन्हें आरसीएम बिजनेस वर्गी नियामत नूं पूरे हिंदुस्तान। स्टेज से जुड़ा हुआ ये सम्मान, ये सबसे बड़ा सम्मान जिसके लिए हम यहां आए हैं, वो सम्मान जिसने एक आम को खास बनाया, वो सम्मान जिसने एक आम से जिंदगी को शख्स से शख्सियत बनाया, एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपने जीवन को शुरू किया एक जीरो से, एक ऐसे शख्स जिन्होंने बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई की, ऐसे शख्स जो कपल के रूप में टीचर से अपना कैरियर शुरू करने वाले। बोले सो निहाल। अनूप शेखावत पिछले 13 साल से जयपुर शहर में एक स्कूल, आज से 5 साल पहले इस सिस्टम के स्टूडेंट बने, उससे पहले टीचर थे, बहुत सारी पढ़ाई की, डबल एमए, डिप्लोमा इन लेबर लॉ, बीएड किया, पीएचडी में भी रजिस्टर्ड करवाया, लेकिन कहीं कुछ बन नहीं पाया। मन में इच्छा थी कि अपना ही कुछ करना है, अपना स्कूल किया, 4 टिन शेड के कमरों में वो स्कूल था, उसी में परिवार के साथ रहते थे, बड़ा संघर्ष था, लेकिन वो सब अब कहानी है। आज वहां पे 4 मंजिल की बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है जहां से पूरे जयपुर शहर को देखा जा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आरसीएम बिजनेस। अनूप शेखावत ने उस व्यक्ति को 6 बार मना किया जिसने उसे ज्वाइन कराया, इसलिए कोई उसे मना करता है तो दर्द नहीं होता, पता है मैंने 6 बार मना किया था, दूसरे को भी अधिकार है 6 बार मना करने का। पहली ना अंतिम ना नहीं होती, लगे एनर्जेटिक लीडर, एक ऐसे लीडर जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया, साबित किया, हरियाणा ही नहीं हिंदुस्तान की कई जगहों पे गए। जोरदार ताली, जोरदार म्यूजिक, जोरदार वेलकम। मैं कॉल करने जा रहा हूं बलवान दीक्षित जी। दोस्तों, नाम बलवान दीक्षित, जींद हरियाणा से बिलोंग करता हूं। फ्रेंड्स, केवल मात्र यकीन करने का बिजनेस है, समझ में ना आए कोई बात नहीं, नहीं समझ में आती छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बात जो दिखाई देती हैं बहुत बड़ी होती हैं। बलवान दीक्षित को गांव में पला बड़ा हुआ, माँ लस्सी पीने को कहती थी, नहीं समझ में आता था, लेकिन सुरेंद्र जी के साथ रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में बैठ करके मौका मिला और 350 रुपए की थाली में 100 ग्राम डाइल्यूटेड लस्सी समझ में आ जाती है कि ये लस्सी की कीमत होती है। एक आम आदमी को फ्रेंड्स, अब गर्मी का मौसम है, नहीं समझ में आता कि लिम्का का मुकाबला कैंपा कोला से है, लेयर पेप्सी से है, मरिंडा से है, नहीं आता ये समझ में। अरे इन सब का मुकाबला मैं अपने आप बताता हूं फ्रेंड्स, अगर किसी से है तो जूस की कॉर्नर की दुकान जो हमारा भाई करता है उससे है,
ना लिम्का का मरिंडा से है और ना कैंपा कोला से है, लेकिन आम आदमी को 90 पैसे का पानी, वो बासी पानी 10 रुपए में पीते हुए नहीं पता चल पाता कि ये जो भाई जूस की कॉर्नर की दुकान करता है 10 रुपए में ताजा मौसमी का जूस देता है, लेकिन हम 90 पैसे का बासी पानी 10 रुपए में पीते हैं, ये आम आदमी को समझ में नहीं आता। सोच के देखिए क्यों नहीं आता, क्योंकि उस भाई के पास जो कॉर्नर के ऊपर बैठा हुआ है, लिम्का वाले जाते हैं और बोलते हैं तेरे को एक फ्रीज फ्री में देंगे, रख लोगे क्या? वो कहता जी रख लूंगा रख लूंगा। कैंपा कोला वाले जाते हैं कि धूप बहुत जाता है, एक छतरी फ्री में देते हैं, रख लोगे क्या? वो कहता जी रख लूंगा। एक सचिन तेंदुलकर कैंपा कोला का ढक्कन खोलते हुए एक पोस्टर देते हैं और वो कहता है कि रख लूंगा। हर बार वो फरी का लालच करके रख लेता है। और लाख हमारे रामदेव मना करे, लाख हमारे डॉक्टर गगनदीप मना करे, हम बच्चे को जूस पिलाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन वो भी कैंपा कोला मांगता है। मांगता नहीं मांगता, यही बात इस 1500 रुपए की किट में है फ्रेंड्स। ये आम आदमी को शुरुआती दौर में नहीं समझ में आती कि 1500 रुपए लगा के करोड़पति बना जा सकता है, लेकिन आज हिंदुस्तान में इस स्टेज ने साबित कर दिया है कि 1500 रुपए लगा करके करोड़पति बना जा सकता है। केवल हौसला चाहिए, केवल साथ चाहिए। अभी तो रियल आतिशबाजी होनी है आपके लिए। स्लाइन का म्यूजिक सम्मान, वो सम्मान जिन्हों पाउण वास्ते हर आदमी की दौड़ है। जिन्हें भी लीडर इतने आए स्टेज से, हर एक ने उहदा नाम लिया, हर एक ने कहा कि स्टार रूबी, स्टार रूबी एक रॉयल लाइफ, स्टार रूबी एक आदमी का सपना, स्टार रूबी एक यहोजा लाइफ स्टाइल कि जिदे विच एक आदमी एक ओजे किसी शख्स को मिल है जो स्टार रूबी दे है तो उसके रग रग चो उस लाइफ स्टाइल निकलता है। स्टार रूबी एक यहोजी शख्सियत साढ़े मौजूद ने, पूरे हिंदुस्तान में जाके उन्होंने लोगों को बताया, प्रूव किया अपने आप को कि मैं भी कुछ हूं, उन्होंने अपने आप को साबित किया। और आज इस शानदार और जानदार मुकाम के लिए मेरे वो मित्र, मेरे वो सहयोगी जिनकी बदौलत मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं चाहूंगा कि आप अपने हाथों को खोल लें अब तक के सबसे ज्यादा गर्मी देने के लिए। जोरदार तालियों के बीच में, जोरदार म्यूजिक के साथ वो कपल जिसने अपने आप को हिंदुस्तान में प्रूव किया, जोरदार म्यूजिक के साथ मैं कॉल कर रहा हूं मिस्टर मिसेज राकेश शर्मा फ्रॉम चेन।
मैं कुछ आपको बताऊं, उससे पहले दो मिनट के लिए मैं माइक देता हूं। इस बिजनेस में मेरे सहयोगी, इस बिजनेस में मेरी कामयाबी का राज, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच माई वाइफ सुदेश शर्मा। गुड आफ्टरनून, माई नेम सुदेश शर्मा। आज बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे पति आरसीएम बिजनेस करते हैं। मेरे पापा का एक सपना था कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी डॉक्टर या इंजीनियर से करूं, लेकिन उनका वो सपना तो पूरा नहीं हुआ क्योंकि उन्हें एक बहुत अच्छे टेक्निकल अचीवर मिल गए। भगवान से यही प्रार्थना है कि यहाँ हर बैठे शख्स आरसीएम का करोड़पति बने और आरसीएम बिजनेस वर्ल्ड का नंबर वन बिजनेस हो। आई लव आरसीएम, थैंक यू वेरी मच। इन पांच सालों की बात करें, आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूं, आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूं और सीखते सीखते दुनिया के हर काम के अंदर पे करना पड़ता है। एम आई राइट? दुनिया के हर काम में सीखने के लिए आपको पे करना पड़ता है, लेकिन दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है कि यहां पे आप सीखोगे और सीखते सीखते इन पांच सालों में करीबन 65 लाख रुपए आरसीएम बिजनेस ने दिए। पैसा दिया, मान दिया, सम्मान दिया, इस तरह की स्टेज दी, हजारों लोगों का प्यार दिया और बहुत सारी चीजें इस बिजनेस से मिली। अगले दो साल के लिए कुछ कमिटमेंट आपको करने पड़ेंगे। तैयार हैं? तैयार हैं? अगले दो साल के लिए आपको कम से कम 3 काम करने पड़ेंगे। पूरे ईमानदारी के साथ ये 3 काम अगर आप करते हो, एक गारंटी मैं यहां से लेके जाऊंगा। अगले 2 साल तक पहला काम करना है आप सभी ने, जो भी लोग चाहते हैं कि सब कुछ उनको भी मिले, पहला काम करना है आपके घर के टोटल 100% प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस के होने चाहिए अगले 2 साल। कर सकते हैं? Yes! अगले 2 साल तक दूसरा काम करना है काम आरसीएम। काम आरसीएम, काम क्या है? इस तरह की मीटिंगों में आना। अगले 2 साल तक लगातार आपको इस तरह की मीटिंगों में आना है। आ सकते हैं? Yes! अगले 2 साल तक लगातार आपको आरसीएम बिजनेस की डेली एक टेप सुननी है। सुन सकते हैं? अगले 2 साल तक लगातार आपको डेली एक सीडी देखनी है। देख सकते हैं? अगले 2 साल तक हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जहां पे पॉसिबल हो सके आप जा सके, इस तरह के फंक्शनों में जाना है। जा सकते हैं? 2 साल तक सामान आरसीएम, काम आरसीएम, और तीसरी चीज है अगले 2 साल तक डेली एक प्लान आरसीएम। कर सकते हैं? कम से कम एक प्लान रोज, एक प्लान। कुछ लोग पूछते हैं कि सर बताओ कब कामयाब हो जाऊंगा। इस बिजनेस का एक नियम है, कामयाबी का एक सूत्र है, मोर प्लान मोर बिजनेस। यस, नो प्लान नो बिजनेस। एक बार एक महात्मा जी होते हैं, महात्मा जी से एक रास्ते में चलता एक आदमी आता है और महात्मा जी से पूछता है कि महात्मा जी मेरे को किसी जगह का नाम लिया, उस जगह पर जाना बताओ कितना समय लगेगा। महात्मा जी ने जवाब दिया कि भैया तू चल। उसने फिर कहा कि मेरे को उस जगह पे जाना, बताओ कितना समय लगेगा। महात्मा जी ने कहा तू चल। तीसरी बार फिर कहा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे को वहां पे जाना, बताओ कितना समय लगेगा। महात्मा जी ने फिर कहा कि भैया तू चल। उसने सोचा जरूर कोई पागल है, वो चल पड़ा। थोड़ी सी आगे गया, महात्मा जी ने पीछे से आवाज लगाई कि तेरे को 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे वापिस आया, वापिस आके पूछा कि मैंने आपसे 3 बार पूछा कि मेरे को कितना समय लगेगा, जब तो आपने बताया नहीं। जब मैं चलने लग गया तो आपने कहा कि तेरे को 2 घंटे लगेंगे। तो महात्मा जी ने जवाब दिया कि भैया जब तक तू चलेगा ही नहीं, तेरी स्पीड देखे बगैर कैसे बता सकता हूं कि तेरे को कितना समय लगेगा। आज का अमृत देखिए, आपने इतने वक्त तक, बहनें नीचे बैठी हैं, बच्चे नीचे बैठे हैं, आज प्रूव किया जो लोग बस पे चिपके हुए थे
वो बस पे अभी तक चिपके हैं, वो नीचे नहीं उतरे, और जो लोग स्टेडियम के पीछे की छत पे थे वो अभी तक नजर आ रहे हैं, वो छतों पे चढ़े हुए हैं। आज तक ऐसा सेमिनार जिंदगी में नहीं देखा। एक ऐसी शख्सियत, बहुत थोड़े से समय में बताऊंगा, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जिस चीज को छुआ उस चीज में चमक आ गई, जिन्होंने जिस चीज जिस व्यक्ति को हाथ लगाया, आशीर्वाद दिया, वो लाखों रुपए महीने कमाने लग गया, करोड़ों की खुशियां उसकी जिंदगी में आ गई। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा कि वक्त ही हमारे पास नजाकत है, पर आपको अगले सिर्फ 20 सेकंड में अपनी आवाज से प्रूव करना है कि हम कितना सम्मान करते हैं इस कपल का, इन कपल्स का कितना सम्मान हम लोग करते हैं। सिर्फ 20 सेकंड है आपके पास प्रूव करने के लिए, आप क्या प्रूव कर सकते हैं? नमस्कार साथियों, गुड आरसीएम, नाम सुदेश वत्स, जींद से बिलोंग करती हूँ। हम पिछले 5 साल से इस बिजनेस को सीख रहे हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, विशाल व तन्वी। हमें नहीं पता था कि ये बिजनेस, इस बिजनेस में जुड़ कर इतना बड़ा परिवर्तन हमारी जिंदगी में कभी आएगा। सो धीरे धीरे हम इस बिजनेस को सीखते रहे और आज स्थिति साथियों ये है कि हमारी जो मंथली इनकम है वो है 10 लाख रुपए। इस कामयाबी का राज कुछ ये है, इस सिस्टम से चलेंगे, इसमें कुछ स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये कामयाबी सभी को मिलेगी। 100% प्रोडक्ट यूज करें। दूसरा, डेली एक टेप जरूर सुने आप। और तीसरा, उस पॉजिटिव एटीट्यूड की पुस्तकें हैं, मैंने भी पढ़ी हैं, जैसे लोक विवाह है और बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैं इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। सो ये किताबें पढ़ें आप और इस बिजनेस को लगन से करते रहें। मेरी तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि जिस प्रकार से हमें कामयाबी मिली उसी प्रकार हर डिस्ट्रीब्यूटर को कामयाबी मिली। थैंक्स। और पिछले 5 साल का रिजल्ट है कि 5 साल में आरसीएम बिजनेस से हमारे घर में 1,70,00,000 रुपए से ज्यादा की इनकम आ चुकी है। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति स्टेज पे आए और स्टेज पे आने से पहले आपका फोटो उसकी जेब में हो और वो उस फोटो को प्रणाम करे, उसके बाद स्टेज पे आए, ये हो सकता है आपके साथ। ये तो आर्थिक आजादी की बात यहां पे है। हिंदुस्तान को जब राजनीतिक आजादी दिलाने की बात थी, जब बहुत स्वाभिमान की बात थी, उस समय भी 2 प्रकार के लोग हुए हैं। एक वो लोग जो भगोड़े कहलाए, जब उनका नाम आता है तो उनके जो परिवार के अभी पीछे वाले लोग हैं उनका सिर शर्म से झुक जाता है, और एक वो लोग हैं भगत सिंह जैसे लोग, न केवल मात्र उनके परिवार, अपितु पंजाब का नाम आता है तो लोग सर गर्व से सिर ऊंचा उठा लेते हैं। सो इस बिजनेस के भगोड़े मत बने, इस बिजनेस के लीडर बने, या तो करें या इसको छोड़ दें। इस बिजनेस के बिना किए भी आपके पास में 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला इस पृथ्वी पे किसी भी प्राणी को अगर भेजता है तो 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त वो शुरू कर देता है। लेकिन अगर 2 वक्त की रोटी से ज्यादा ऊपर उठ के कुछ करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको आपके नाम से जाने, लोग आपके परिवार को आपके नाम से जाने, आपके समाज को आपके नाम से जाने, आपके स्टेट के आपको नाम को जाने, तो आरसीएम बिजनेस की जरूरत है दोस्त, इसको कर लेना।
बड़े बड़े शहरों में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब आपका बिजनेस जींद जैसे शहर में चल गया होगा, हमारे यहां चंडीगढ़ में चलने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पहले के जो अनुभव है कहीं ना कहीं अच्छे नहीं है।